दोस्तों टीम इंडिया इतिहास रचने में हमेशा से आगे है। भारतीय टीम ने ओल्ड टेस्ट मैच के पांचवें दिन के अंतिम सेशन में इंग्लैंड को दूसरी पारी में 210 रन पर ऑल आउट कर दिया और चौथा टेस्ट मुकाबला जीत लिया। दोस्तों भारतीय टीम को 157 रनों से जीत मिली है। इसके साथ ही पांच मैचों की सीरीज में भारतीय टीम अब 2-1 से आगे चली गई है। भारत ने पांचवें दिन में काफी बेहतरीन गेंदबाजी की और ये शायद काफी ज्यादा सही था। ईशान किशन को बाहर बैठाकर उमेश यादव को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाने में उमेश यादव ने आज के मुकाबले में काफी बेहतरीन बॉलिंग की और 3 विकेट झटक डाले। वहीं पहला सेशन अंतिम दिन के पहले सेशन में इंग्लैंड के लिए रोरी बंद ने अर्धशतक पूरा किया और वो आउट हुए। पहले विकेट के लिए इंग्लैंड ने कुल 100 रनों की भागीदारी की। बंद के शार्दुल ठाकुर ने ऋषभ पंत को हाथों कैच कराया। इसके बाद डेविड मलन बैटिंग के लिए और उनको जडेजा अपनी गेंदों पर परेशान किया। इस दौरान हसीब हमीद ने भी अपनी 50 पूरी कर ली। 55 रन के स्कोर पर जडेजा की गेंद पर मोहम्मद सिराज ने हसीब हमीद को कैच छोड़ दिया। इसके बाद डेविड मलन और सब्स्टिट्यूट फील्डर मयंक अग्रवाल ने 5 रन बनाकर आउट कर दिया। लंच तक स्कोर 131 पर पहुंच चुका था जबकि उस टाइम पे 2 विकेट गए थे। दूसरे सेशन में भारतीय टीम ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाया। सबसे पहले रविंद्र जडेजा ने सेट बल्लेबाज हसीब हमीद को 63 रन पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद ओली पॉप और जॉनी बरिस्टो 0 जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड करते हुए वापस भेज दिया। यहां से मोइन अली खेलने के लिए आए लेकिन रविंद्र जडेजा की फिरकी गेंदों में फंस गए और बिना खाते खोले आउट हो गए। इस समय कुल स्कोर 147 पर 6 हो गया था। वहीं कप्तान जॉय रूट ने कुछ देर क्रीज पर रहकर क्रिस ओक्स के साथ धीमी गति से पारी को आगे बढ़ाया लेकिन उन्होंने भी 36 के निजी स्कोर पर चलते दिए और शार्दुल ठाकुर ने उनको पवेलियन भेज दिया। चाय काल के अंतिम गेंद पर क्रिस ओक्स 18 को उमेश यादव ने पवेलियन भेजकर इंग्लैंड का 8वां विकेट गिरा दिया। वहीं तीसरा सेशन काफी बेहतरीन रहा टीम इंडिया के लिए। अंतिम सेशन में उमेश यादव ओवरटन और एंडरसन को आउट करते हुए इंग्लैंड की पारी 210 रन पर समेट दिया। इस तरह से भारत को 157 रनों से जीत मिली और सीरीज में टीम इंडिया को 2-1 से बढ़त भी मिल गई। भारत के लिए दूसरी पारी में उमेश यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। वहीं जसप्रीत बुमराह रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर भी 2-2 विकेट मिले। वहीं मोहम्मद सिराज को दूसरे पारी में 1 भी विकेट नहीं मिला। तो चौथे दिन के खेल समाप्त होने के बाद ऐसा लग रहा था मैच ड्रॉ या फिर इंग्लैंड टीम जीत जाएगी क्योंकि उस टीम का 1 भी विकेट नहीं गिरा था और 77 रन बन चुके थे। लेकिन पांचवें दिन के खेल कुछ अलग हुआ और टीम इंडिया ने बाजी मार ली। हालांकि टीम इंडिया के बॉलरों ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो, चाहे उमेश यादव, चाहे रविंद्र जडेजा हो, सभी बॉलरों ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया और टीम इंडिया को 10-15-20 रनों से नहीं 157 रनों से जिता दिया और टीम इंडिया को पॉइंट टेबल में ही काफी ज्यादा बढ़त मिल चुकी है। तो दोस्तों आप कितना खुश हैं टीम इंडिया से वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।